जोशीमठ से लगभग दोपहर 12-1 बज गए थे निकलते निकलते। साइकिल का थोड़ा काम करवाना था। पौने दो हो गए हैं और अभी 35 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ। तो साइकिल ठीक चल रही है, अभी तक तो नीचे ही आना था। आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रास्ता सारा ही खराब है, 10-15 किलोमीटर वाला आगे का। तो यहाँ एक ढाबा है, इसमें मैगी खा के फिर गाड़ी रवानगी होगी आगे वो रास्ता। चार धाम हाईवे बन रहा है तो आगे रास्ता काफ़ी दूर तक ऐसा ही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रास्ता कच्चा है लगभग सारा, पथरीला और धूल बहुत उड़ रही है। गाड़ियां चलती है तो और बुरा हाल होता है। गोविंद घाट 4 बजने वाले हैं, ये पांडुकेश्वर, और आज रात यहीं रुकेंगे, जुगाड़ देखते हैं। अभी बहुत देर पूछताछ करने के बाद एक आश्रम है, यहाँ पे रहने का जुगाड़ हुआ है, तो आज की रात यहीं रुकेंगे हिमालय की गोद में। कल निकलेंगे बद्रीनाथ। हाय, गुड मॉर्निंग। कल बद्रीनाथ तो नहीं पहुंच पाया मैं, बट 21 किलोमीटर पहले यहाँ पांडुकेश्वर के पास एक आश्रम में जगह मिल गई है, छोटा सा कमरा आई है सोने के लिए। तो स्लीपिंग बैग था मेरे पास, तो बड़ा काम चला उससे। ये कमरा है, स्लीपिंग बैग मेरा, सामान, ये यहाँ से बाहर नदी चल रही है। जब सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो उसके बाद वो मूर्ति नीचे पांडुकेश्वर में योग बद्री मंदिर है एक पुराना, उसमें रखते हैं। साइकिल दिक्कत कर रही है वेट की वजह से, पिछला जो गरारी है वो फ्री मार रही है बीच में, जैसे ही रास्ता ख़राब आता है। तो मैं वेट कम करने के लिए एक जैकेट और पावर बैंक लेके बाकी का सामान यहाँ एक ढाबे पे छोड़ रहा हूँ। लगभग पहुंच गए हैं, थोड़ी चढ़ाई और है और दिख रहे हैं सामने हिमालय, धुआं उठ रहा है, पता नहीं आग का है या बादलों का है।
किलोमीटर होगा मैक्सिमम। आगे अब तो प्लेन ही है बद्रीनाथ मंदिर के पास पहुँचते ही सबसे पहले मैंने गर्मा गर्म जलेबी खाई, सर्दी बहुत थी। और फिर मैं बाजार से होता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के पास पहुँचने से पहले बिल्कुल एक छोटा सा बाजार है, ये सीढ़ियाँ नीचे ब्रिज की तरफ जाती हैं और ये ब्रिज बना हुआ है अलकनंदा नदी के ऊपर। उस तरफ वहाँ गर्म पानी का झरना है जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं, और वो उधर मंदिर पीछे।